हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके भाई ने एक डिसीजन लिया है कि वीस्ट्रॉम 250 का एवरेज निकाले। बहुत से इन लोगों की क्वेरी रहते हैं वीस्ट्रॉम 250 का एवरेज क्या है, तो मैं पूरा टैंक फुल करूंगा और जेन्युइन एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा। आज 15 अगस्त है तो आपको पता ही है, आपको अपने भारत देश को आज़ादी मिली थी आज, तो जेन्युइन एवरेज निकालने के लिए पेट्रोल पंप पे जाएंगे और ये वीस्ट्रॉम 250 पीछे दिख रही होगी, विरोध डाल दूंगा। आपके भाई ने अभी नई परचेस की है, रिसेंटली 4-5 दिन हो गए, तो मैंने सोचा यार टैंक फुल करवा रहे तो इसके एवरेज भी निकाल ही जाए। ठीक, लेट्स गो। आज पेट्रोल पंप पे आया, इंडिपेंडेंट डे, देखो क्या मिला है, फ्लैग ऑलरेडी अपने बाइक पे भी लगाया, सब सेट हो गया है, रिसेट कर दिया। और एक है कि टायर प्रेशर भी चेक कर लिया आपने भाई ने, यहाँ पे वीस्ट्रॉम 250 का एक आगे का टायर में डबल सीट में 22 और 29 रियर में, सो टायर प्रेशर भी सेट हो गया, अभी डलवाते हैं टैंक एवरेज निकालने की। ठीक है, जीरो चेक हो गया। हो गया फुल नोजल टू नोजल, बाइक का किलोमीटर भी सेट कर लिया है मैंने, ये देखो दिख रहा है 235। सो देखते हैं, अभी टैंक फुल हो गया, किलोमीटर भी सेट है, तो अभी इसके रिगार्डिंग मैं अभी ये रोड भी दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा हैवी है 15 किलोमीटर, और अब हम जिधर जॉब पे जा रहे हैं, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, जॉब के यहाँ पे रोड थोड़ा सा नैरो है, तो वहाँ पे भी अपना एक सफिशेंट और फेयर एक फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट होगी, और वैसे आपको एवरेज निकाल के मैं दूंगा। लेट्स गो। सिटी में और हाईवे में दोनों जगह पे जहाँ पे बैलेंस रहेगा ऐसी जगह पे मैं एवरेज निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा इस रोड पे कम से कम 15 से 16 स्पीड ब्रेकर है, तो एकदम फेयर कंपैरिजन होगी। और अभी मैं थर्ड गियर पे चल रहा हूँ और नॉर्मल आरपीएम पे चला रहा हूँ, अभी हाई रेंट भी करके देखेंगे दोस्तों, अपन को एक सिटी प्लस हाईवे का माइलेज दोनों भी कितना आएगा वो समझ में आ जाएगा। स्मूथ, एक नंबर, क्या बोलती पब्लिक, मजा आ रहा है। कुछ भी हो, अगर मेरे जैसा आपका नसीब है, जस्ट लाइक जॉब पे जाना है 30 किलोमीटर लंबा, 30 किलोमीटर आने के लिए, 30 किलोमीटर जाने के लिए, और ऐसी बाइक क्या ही चाहिए भाई, क्या ही चाहिए। वीस्ट्रॉम ओनर है ना, वो एक चीज से तो रिलायबल करेंगे कि गाड़ी को देखते बहुत लोग है यार, ऐसा मतलब जैसे कि बहुत बड़ी सीसी हायर एंड की गाड़ी है और चल रहे अपन चल रहे, तो ये चीज़ का फायदा हो रहा है इस गाड़ी में कि ले रहे तो ये देखो दूसरा वीस्ट्रॉम वाला भाई राइडर जा रहा है। अरे यार कंटेंट बना रहे और बाइक जा रही है, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये पीछे से आई BMW GS 310 चल रहा है, मजे। कमेंट में बताना रोड कैसा है, और ये मेरा डेली रूट है तो मजे आते हैं यार ये बाइक के साथ मेरे को, और ऐसे रोड पे थोड़ा सेफ ही चलाना बहुत अच्छा है, क्योंकि कुत्ता बिल्ली और छोटे बच्चे वगैरह दौड़ते रहते हैं, गांव साइड एरिया है, और यहाँ पे कैसे है विलेज के लोग, अगर कनेक्टेड विलेज है यहाँ पे रोड पे, तो ऐसे जैसा ये साइड में रोड जा रहा है बंदे आ जाते हैं कैसे भी इधर उधर से, तो फिर अपना एक लिमिट में रहना चाहिए, 50-60-40 उसके ऊपर गए तो रिस्की काम है भाई। अरे वीस्ट्रॉम वाला फिर से मिल गया, इधर जा रहा मेरे भाई, वीस्ट्रॉम वाले और वो BMW वाला दिखा था ना अपन को, तो ये लाइक यहाँ पे ना एक डैम है और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का फोर्ट भी है, तो लाइक वहाँ पे विजिट देने के लिए जा रहे हो, अच्छी बात है, मेरा तो जॉब लोकेशन ही वही है और डेली जाना आना रहता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन कभी भी जा सकते, कभी भी आ सकते, बट है थोड़ा सा छुट्टी के दिन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए गाइस,
एवरेज निकल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग का, वो भी जेन्युइन तरीके से, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि चला रहा है तो एक सर्टन आरपीएम पे चला रहा है और एकदम स्लो स्लो चला के एवरेज निकाल रहा है, जैसा मेरी तरह से पॉसिबल हो। अभी वीडियो निकाल रहा है इसलिए स्लो कर रहा हूँ, पर ठीक है, एक सर्टन अच्छे आरपीएम पे मैं चला रहा हूँ और गाड़ी अपन जेन्युइन तरीके से ऐसे चलाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा एग्रेसिव राइडर हूँ, तो एग्रेसिव राइड में अगर एवरेज अच्छा निकला तो समझ लो ना कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और विस्ट्रॉम रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी ना कोई भी टॉपिक पे, तो मेरे को बताओ, मैं सब बता दूंगा आपको, स्पेसिफिकेशन इसका सब, लाइक कैसी है चलने में। अभी तो मेरा फर्स्ट सर्विसिंग भी नहीं हुआ है, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद भी एक एवरेज टेस्ट करूंगा, वो भी आप अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ये आपने सामने KTM 390 जा रही है गाइस टॉप ऑफ वगैरह लगा के, तो अभी राइडर यहाँ से जा रहे हैं जैसे कि ये हिमालयन गई, तो अच्छा लग रहा है, रिस्पेक्ट है यार, राइडिंग कम्युनिटी का रिस्पेक्ट है। तो 68 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है, अभी 68 किलोमीटर में कितना तेल डलता है वो देखते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं। बस 202 रुपए का। आप देख रहे होगे पीछे अंधेरा हो गया और ड्रेस भी चेंज कर दिया, तो गाइस बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो जैसे आ गया वैसे ही आपके लिए वीडियो बनाया, क्योंकि घर पे आ गया तो फ्रेश पिश हुआ तो रात हो गए। जैसे कि गाड़ी है ना 68 किलोमीटर चली है और 202 रुपए का पेट्रोल फिलअप हुआ है, तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो 35 का एवरेज दे रही है। जैसे कैसे बताओ, 104 रुपए लीटर पेट्रोल है, 103.9 के दर, तो 104 रुपए का मोटा मोटा पेट्रोल एक लीटर आता है, तो आप 2 लीटर पेट्रोल में अगर 35 का एवरेज तो मिला है, वैसे भी 35 का एवरेज बहुत अच्छा है गाड़ी के लिए। और अभी पहली सर्विसिंग होने वाली है मेरी, पहली सर्विसिंग होने के बाद भी एक एवरेज टेस्ट करूंगा और वो भी अपलोड कर दूंगा, टेस्ट होंगे। और कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए आपको सुजुकी विस्टॉर्म रिलेटेड तो मैं दूंगा।